मित्रों नमस्कार। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खां को 3 साल की सजा का ऐलान कर दिया है। अब इसका परिणाम यह होगा कि आजम खां की विधानसभा की सदस्यता खत्म करने की संस्तुति इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की संस्तुति पर अमल करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने तत्काल प्रभाव से आजम खां की विधानसभा की सदस्यता खारिज करते हुए रामपुर की विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। आजम खां की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद अगले 6 महीने के अंदर रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया जाना जरूरी हो गया है। आपको बताते चले कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खां के अगेंस्ट में बीजेपी के प्रत्याशी रहे आकाश सक्सेना ने आजम खां पर आरोप लगाया था कि आम चुनाव के दौरान आजम खां ने हेट स्पीच दिया था। उसी हेट स्पीच के मामले में आजम खां को 3 साल की सजा मिली है। रामपुर के मिल्का विधानसभा सीट से आजम खां ने हेट स्पीच दिया था। आजम खां को हेट स्पीच मामले में 153A, 505A और 125 धाराओं के तहत दोषी पाया गया है, जिसमें आजम खां को 3 साल की सजा सुनाई गई है। आरोप यह है कि आजम खां ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ व तत्कालीन डीएम पर अपशब्द बोला था। आजम खां वाज एक्यूज्ड ऑफ यूजिंग डेरोगेटरी लैंग्वेज फॉर पीएम नरेंद्र मोदी एंड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ड्यूरिंग द 2019 लोकसभा इलेक्शंस। ही ऑल्सो हैड abused the then Rampur District Magistrate IAS Anjaneya Singh. 10 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि यदि MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA या MLC क्रिमिनल केस में 2 साल या अधिक की सजा पाते हैं तो तत्काल प्रभाव से वे अपनी सदस्यता गंवा देंगे। रामपुर कोर्ट में वकील व बीजेपी के लोकल नेता आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां पर FIR फाइल किया था। आकाश सक्सेना 2022 के विधानसभा चुनाव में आजम खां के खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी रहे। मित्रों अब जिस हेट स्पीच पर आजम खां को सजा मिली है उसको सुनिए। मोदी जी, आपने हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों का जीना दूभर हो गया। अरे कलेक्टर, अपनी माँ की कोख पे जाकर लात मार, किस कपूत को पैदा कर दिया तेरी माँ ने। जय हिंद, वंदे मातरम।